अरे क्या बातें हो रही है दोस्तों? अरे तू बता भाई, तू क्या कब से हो सुविचार लिख रहा था? अरे जेठालाल, मैंने सुविचार लिखा ही नहीं है। अरे तो कब से इतना क्या लिखा तूने? आगे पढ़ो। अरे भाई अभी तू आ गया, तू ही बता ना भाई क्या लिखा है। अरे पढ़ने में ही मजा है जेठालाल। अरे आत्माराम ने लिखा होगा तो कुछ खास ही लिखा होगा। चलो चल के पढ़ते हैं। चलो चलो आइए आइए। हाँ चलो चलो आओ। तो खास दावत देने आया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के तूफानी सदस्य श्री पत्रकार पोपटलाल का जन्मदिन है। इसलिए पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ऐसी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की दिल से इच्छा है। प्रार्थना ले ले, प्रार्थना इच्छा का आते गलत लिव लेला है भाई, इच्छा लिया पाहिजे। पढ़ने आयो कि पढ़ाने आयो जेठालाल? पढ़ो ना जो लिखा है वो पढ़ो। यार गलत लिखा है। पढ़ो पढ़ो। ऐसे गोकुलधाम वासियों की प्रार्थना है। देखा, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। भीड़े और सोसाइटी के बाकी सारे सदस्यों की शुभकामनाओं में मेरे लिए सहानुभूति है। ओ चलो जी चलो, ओ पप्पू को लाइव शुभकामनाएं देके आते हैं। नहीं नहीं सुड़ी, पोपटलाल के घर मत जान। क्यों? थोड़ा कोई पंगा हुआ है पप्पू के साथ? अरे कैसी बात कर रहा है सोडी, तुझे मेहता साहब पंगा करने वाले लगते? अरे वो तो पंगा मिटाने वाले है भाई। अजात शत्रु है अजात शत्रु, ना किसी से पंगा ना किसी से दुश्मनी, नो प्रॉब्लम इंसान। हाँ सुड़ी भाई, ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि पोपट भाई अपने घर पर नहीं है, उनके घर पर ताला है। ओ ए पोपटलाल, सुबह तुम किधर चला गया? अरे मैं फोन करता हूँ ना उसे, हम सब साथ में विश करते हैं उसको। हाँ कर कर। The number you are dialing is currently switched off. एक्चुअली मैंने भी पोपट भाई को फोन किया था पर उनका फोन स्विच ऑफ है। ओह अच्छा। हमने भी कमाल है, लेकिन पप्पू का फोन तो कभी बंद नहीं होता। नहीं हो सकता है उसके फोन की बैटरी लो हो या उसका फोन बिगड़ गया हो। लेकिन ये पोपट लाल इतना जल्दी किधर गया होगा? हो सकता है सुबह सुबह नाश्ता करने गया हो। ये पोपटलाल पत्रकार है, किसी काम में बिजी हो गया होगा। अरे बाप रे, सब लोग यहीं पे हैं? पोपट भाई की बात हो रही है, जाना तो पड़ेगा। अरे एक मिनट, अभी पता चल जाएगा पोपटलाल कहाँ गया है और कितने बजे गया है। कैसे? वो देखो अब्दुल, अब्दुल। हाँ एक मिनट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये भगवान, ये अब्दुल कहीं सच ना बोल दे कि मैं घर में ही छिपा हूँ। अच्छा अब्दुल, पोपटलाल सुबह सुबह काम पे निकल गया है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो तुझे पता है वो कितने बजे गया कहाँ गया है? नहीं नहीं मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, मैं तो मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इतना टेंशन में क्यों आ गया तू? पोपट भाई का बर्थडे है और उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो टेंशन तो हो गई ना। अच्छा अच्छा।
चलो मैं चलता हूँ, सामान देने के लिए जाना है। बच गया, अब्दुल ने कुछ नहीं बताया। चलो चलो हम भी काम पे निकलते हैं। पोपटलाल को जब रात को मिलेंगे तो अपनी शुभकामनाएं दे देंगे। हाँ, और रात को जम के पार्टी भी करेंगे। ठीक है चलो भाई, काम पे जाने वाले काम पे चलो, और घर पे जाके आराम करने वाले घर पे जाओ। अच्छा मुझे सुना रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ घर पे आराम करते हो। जीठा भाई तो क्या आप मुझे सुना रहे हैं? नहीं नहीं आतिफ भाई, आपका तो दवाखाना ही घर में है। तो जेठा भाई आप मुझे सुना रहे हो? नहीं नहीं। तो जेठा जी बची तो मैं, मतलब आप मुझे ये सुना रहे हो है ना? अरे मैं सॉरी सॉरी, किसी को नहीं सुना रहा हूँ मैं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। जेठालाल कहते हैं हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। अच्छा लेकिन मैंने सुना ऐसा भी कहते हैं कि जो सोच समझ के बोलते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, और जो बिना सोचे समझे बोलते हैं बेचारे बहुत भोले होते हैं। ऐसा किसने बोला? अरे तूने एक बार सुविचार में लिखा था। मैंने मतलब सब चलो चलो जाते हैं चलो। अरे चलो चलो यारो, ओ आप लोगों को मैं अपने बब्बर चेयर की सवारी कराता हूँ। ओ हो आओ आज आओ। ओके ओके बबीता जी, ओके ओके यार आप तो हाँ ये भाई तो हाश। चलो अब आज सोसाइटी में से तो कोई नहीं आएगा मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। पोपटलाल तैयार हो जाओ खुद के साथ केक काट कर बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन केक कहाँ से लाऊं? केक ऑर्डर करूंगा तो किसी को शक हो सकता है। मिल गया केक का आइडिया। अरे पीड़ू सफाई वाले को निकाल दिया? अरे कचरा पड़ा था यहाँ पे, उठा के मैंने कचरा पेटी में डाला। तो भी कमाल होते हैं, बाजू में डस्टबिन पड़ा है लेकिन कचरा बीच रास्ते में फेंकेंगे। ओए ठंड रख पीड़ू, हो सकता है कि किसी ने फेंका ना हो, उड़ के आ गया हो। हाँ लेकिन तुम जल्दी कैसे आ गए? क्या है ना, पास वाली सोसाइटी में मेरे यार की गड्डी डिलीवरी करने आया था, तो मैंने रोशन डार्लिंग को फोन किया और कहा बस साथ में बैठ के रोमांटिक लंच करते हैं। हाँ ये अच्छा किया तुमने। और वो कहते हैं ना कि परिवार के साथ बैठ के हो सके उतना खाना खाना चाहिए। अरे हुशार, जितना हो सके उतना परिवार के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। अस्त अस्त। अच्छा चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझो। अरे यार ये पप्पू आ गया क्या? तो मैं कब से उसको फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं ना सोड़ी, मैं घर पे जाके आया उसके, अभी भी ताला ही लगा हुआ है। मैंने भी उसको कई बार फोन लगाया, फोन ही नहीं लग रहा है उसका। लगता है अभी डायरेक्ट शाम को ही मुलाकात होगी उससे। ओए पीड़ू, और आज पप्पू का बर्थडे है तो क्यों ना हम सब यार मिलके पार्टी शार्टी करें। कोई मौका भी है, दस्तूर भी है, और पप्पू का जन्मदिन भी है। तो बहुत टाइम हो गया यार, हम यारों ने मिलके साथ में पार्टी शार्टी नहीं की। हाँ आइडिया बुरा नहीं है सोड़ी, वैसे भी माधी घर पे है नहीं, वो गई है लोनावाला उसके मौसी के घर पे, कल आएगी। ले ये तो सोने पे सुहागा हो गया, तो मैं बाकी की पुरुष मंडली को इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ लेकिन बाकी की मंडली आ पाएगी? अरे क्यों नहीं आ पाएगी, कोई पप्पू तो अकेला रहता है, उसे तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी बच्चे मैं, हाथीपुरा मेहता साहब और अय्यरपुरा, हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना मार के आ जाएंगे पार्टी चार्टी करने। हाँ लेकिन जेठालाल का क्या, चाचा जी होंगे ना घर पे? ओए पीड़ू तो फूल गया, और चाचा जी तो जल्दी सो जाते, जब चाचा जी सो जाएंगे तो जेठापुरा चुपके से पार्टी चार्टी करने आ जाएगा। लेकिन आज चाचा जी जल्दी नहीं सोएंगे। और क्यों जल्दी नहीं सोएंगे? वाह सोड़ी वाह, हैं पार्टी चार्टी करनी है। खबरदार जो पार्टी शार्टी का प्लान किया, तो मैं नहीं आने वाला पार्टी शार्टी में। ओ, मैं भी नहीं जाने वाला सोटी की पार्टी शार्टी में। चाचा जी मैं तो पीड़ू का इम्तिहान ले रहा थी।
और मैंने तो खाली पार्टी शार्टी की ऑफर दी थी और मैं देख रहा था कि वो मानता है कि नहीं, और देखो वो तो मान गया। चाचा जी मैं भी इम्तिहान ले रहा था इसका कि अगर मैं हाँ बोलता तो ये क्या बोलता है, देखो ये तो फेल हो गया। पार्टी शादी का नाम भी लिया है तो पूरी पुरुष मंडली को पूरी रात कंपाउंड में बिठाऊंगा। नहीं कंपाउंड में नहीं, गार्डन में बिठाऊंगा। गार्डन में क्यों? वहाँ मच्छर होते हैं ना, पूरी रात काटेंगे। चाचा जी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाचा जी हम लोग में से कोई पार्टी शार्टी करने वाला है ही नहीं। वो क्या है ना, आज पप्पू का बर्थडे था तो क्या हुआ तो विश करना चाहिए ना पोपटलाल को ऐसे, हैप्पी बर्थडे पोपटलाल। अरे बाप रे, पोपट भाई की बात हो रही है, चाचा जी भी है। कहीं मेरे मुंह से निकल ना जाए कि पोपट भाई घर में ही है और मैंने ही बाहर से ताला मार दिया। अब्दुल मियां उल्टे पे निकल लो। अरे लेकिन विश करने के लिए डिब्बा मिलना तो चाहिए। कहां गया, कहां है वो, कहीं बाहर गया है क्या? हां बता क्या गया है। आज उसका जन्मदिन है, ना फोन लग रहा है ना वो मिल रहा है। चाचा जी मैं भी उसको सुबह से कई बार फोन लगा चुका हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। लगता है सुबह ही कहीं जल्दी बाहर चला गया होगा, कोई अर्जेंट काम आ गया होगा। चलो मैं निकलता हूँ। ओके चाचा जी। वो मत छोड़िए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे बाल बाल बच गए सोड़ी। वहाँ यार वो पांडे बिकते बिकते बच गए। पर पिड़ू सोचने वाली बात यह है कि जन्मदिन वाले दिन वो पप्पू ऐसे कौन से काम में बिजी है कि ना वो हमारा फोन उठा रहा है और ना ही वो हमें मिल रहा है। अरे वो पत्रकार है भाई, गया होगा कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, मिली होगी कोई सनसनीखेज खबर, या तो गया होगा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, या तो कहीं ऐसी जगह गया होगा जिसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते। अच्छा चल 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 तुम लंच करो रोशन भाभी के साथ। क्यों अंजलि भाभी, आपने अचानक से क्यों बुलाया? दोपहर हो गई है और पोपट भाई का कुछ पता ही नहीं। एग्जैक्टली exactly. और रोशन जब दोपहर में लंच के लिए आया था ना तो हमने पोपट भाई को फोन भी किया लेकिन उनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। आज उनका बर्थडे है और उनको कुछ पता ही नहीं। मैंने टप्पू सेना को भी पूछा, वो कब से बेताब हो रहे हैं पोपट भाई को विश करने के लिए लेकिन उनका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ गए होंगे पोपट भाई? मैं तारक से फोन करके पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता चला हो। हाँ। अंजलि बोलो। तारक, पोपट भाई अब तक घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अंजलि, पोपट लाल कोई स्कूल जाता बच्चा थोड़ी ना है कि उस बात की चिंता करना कि वो अब तक घर नहीं आए। तो वरिष्ठ पत्रकार है, जरूर किसी काम में बिजी होगा, जहाँ भी होगा रात तक आ जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ कि वो कोई बच्चे नहीं है लेकिन तारक आज उनका बर्थडे है और उनका कोई अता पता नहीं। दोस्तों पोपटलाल अकेले अपना जन्मदिन घर पे मनाना चाहता है और हम सारे लोग पोपटलाल को ढूंढ रहे हैं, उसे फोन कर रहे हैं, उसके घर की डोरबेल बजाई लेकिन पोपटलाल ने दरवाजा नहीं खोला। हम सबको बहुत टेंशन हो गई कि पोपटलाल गया तो गया कहाँ। हम गोकुल धाम वासी पोपटलाल का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। प्लीज पोपटलाल तुम जहां भी हो हमारे सामने आ जाओ। दोस्तों जैसा हम चाहते हैं ना वैसा होता नहीं, तो क्या हम पोपटलाल को ढूंढकर साथ में मिलकर उसका जन्मदिन मना पाएंगे? भाई छुपा छुपी का ये खेल शुरू हो चुका है। पोपटलाल का मिशन है अकेले जन्मदिन मनाना और हमारा मिशन है पोपटलाल के साथ मिलकर उसका जन्मदिन मनाना। और इन सब के बीच में पोपटलाल के लिए एक खतरनाक मिशन आने वाला है। जी हाँ, उसे एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा और घर से बाहर निकलते ही किसी ने उसे देख लिया तो। और ये स्टिंग ऑपरेशन है क्या, इसमें कितना बड़ा रिस्क है? दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब में आपको ठाके ही ठाके मिलेंगे, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।